1840 में सर कनिंघम ने संकिसा व कंपिल में अन्वेषण किया था। थोड़ी ही दूरी पर रामनगर के अहिच्छत्र क्षेत्र में भी टीलों पर अन्वेषण किया। अहिच्छत्र का नाम महाभारत ग्रंथ में भी आया है, इसलिए इस क्षेत्र को महाभारत कालीन मान लिया गया। क्या अहिच्छत्र महाभारत कालीन जगह है? क्या कोई सबूत हाथ लगे है? ऐसा ही कुछ अहिच्छत्र में स्थित स्तूपों के बारे में पूछा जा सकता है। किसी ने इसे दुनिया की सबसे पुरानी पिरामिड प्रमाणित करने की कोशिश की। किसी ने इसे द्रुपद का महाभारत कालीन किला बताया। मैदान में देखो तो चारों ओर ईंटें ही ईंटें बिखरी पड़ी है। चारों ओर दूर दूर एक दीवार की नींव मैदान में देखी जा सकती है, जिसकी ऊंचाई 30 से 35 फीट पाई गई है। निश्चय ही ये किसी किले की ओर इशारा है। IIT कानपुर के प्रोफेसर ने इंडियन रिमोट सेंसिंग उपग्रहों की रिमोट सेंसिंग इमेजरी से इस शहर के खंडहरों की पहचान की है। खंडहरों से पता चलता है कि किले का आकार त्रिकोणीय है। इनका काल 1200 BC से 1800 ईसा पूर्व तक पाया गया, जबकि अनुमानतः महाभारत काल 3000 BC से और पहले का है। अतः रिमोट सेंसिंग के जरिए अभी और गहराई में अन्वेषण की जरूरत है, तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि ये जगह कभी महाभारत कालीन थी अथवा नहीं। अब प्रश्न है कि अगर ये टीले पिरामिड नहीं है तो क्या है? चूंकि इस स्तूप में लिंगम है, अर्थात ये पूजा स्थल है, जबकि मिश्र के पिरामिड समाधि स्थल है, अतः ये पिरामिड नहीं हो सकता। अगर हम इस स्तूप व टॉप लेयर पर खड़े लिंगम का आकार व साइज देखें तो ये इसका आधार वर्गाकार, ऊपर अष्टाकार और फिर सिलिंड्राकार, टॉप अर्ध गोलाकार है। अगर इसकी गुप्तकालीन मंदिरों से तुलना की जाए तो इसे गुप्तकालीन मंदिर कहा जा सकता है। स्तूप की ओर खुदाई कराई जाए तो इसका आकार ऐसा हो सकता है। इतिहासकार इसे 4th शताब्दी का समुद्रगुप्त काल का मंदिर मानते हैं। इसके पास ही कुछ दूरी पर एक और स्तूप है जिसकी टॉप लेयर पर लिंगम नहीं है। ये क्या हो सकता है? इसके टॉप सरफेस का अवलोकन करें तो ऊपर एक आयताकार सपाट छत है, तो ये टीला एक प्रकार से स्तूप ही है। अगर इस स्थल की और खुदाई कराई जाए तो निश्चय ही आशान्वित परिणाम मिल सकते हैं।